झारखंड के नेतृत्व में एक बार फिर से बदलाव हो रहा है। दरअसल चंपई सोरेन जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब उनकी जगह पर हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे गठबंधन ने नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय लिया है और हेमंत सोरेन को हमने गठबंधन का नेता चुना है। बता दें चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं आज 3 जुलाई को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब उन्होंने महज 153 दिन सीएम के रूप में झारखंड को अपनी सेवाएं दी हैं। हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। हाँ, जैसे हम लोग का गठबंधन का जो निर्णय है वो निर्णय के अनुसार हम लोग अपना काम किया।